हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और जो वीडियो आपने प्रीव्यू में देखा है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल है। अगर इस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं तो कैसे, आप बहुत ही आसानी से ये वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो को फुल वॉच करके आप जान लीजिए। ओके, सो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू आपको इसी तरह की वायरल रील से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एंड ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि वीडियो आपको पसंद आए तो आपको एक लाइक भी करना होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए आपको किस एप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत है VN एप्लीकेशन की, जो कि प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाता है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर पर आपको VN सर्च करना है। आपको टॉप में ये एप्लीकेशन मिल जाता है। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ओके, दूसरे इस वीडियो को बनाने के लिए हमें 5 फ़ोटोज़ की ज़रूरत है। एंड फ़ोटोज़ इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपनी फ़ोन लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। यहाँ से आप 5 फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, नाउ गाइस आपको यहाँ से फॉरवर्ड कर लेना है राइट हैंड कॉर्नर से। बहुत ही आसान है ये वीडियो बनाना, बस आपको फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है, इसको आपको डिलीट करना है क्योंकि ये हमारी वीडियो के एंड में ऐड हो जाता है। ओके, नाउ गाइस आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, 9:16 की रेशियो सेलेक्ट करनी है, इससे हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करेंगे क्योंकि म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ही हमें अपने फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग करनी है। तो म्यूज़िक यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आपको उस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब आप टेलीग्राम पर पहुँचेंगे तो रील वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा, आपको उसको डाउनलोड करके रखना है पहले से। ओके, पहले से डाउनलोड करके रखेंगे, देन यहाँ से हम क्या करेंगे, वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि म्यूज़िक को। तो अब क्या करना है हमें, डाउनलोड करने के बाद यहाँ से म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, देन प्लस पे क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। ओके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब वो वीडियो ले लेना है जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा। अब यहाँ से आपको ओके कर लेना है। नाउ गाइस आप क्या करेंगे, यहाँ चूज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, एंड यहाँ से आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, म्यूजिक को सुनेंगे, सुनते हुए फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको म्यूज़िक सुना नहीं सकती, तो पहले मैं म्यूज़िक सुनते हुए फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग कर लेती हूँ, आफ्टर दैट आपको बताती हूँ कि आप फ़ोटोज़ की ड्यूरेशंस क्या रखेंगे। ओके, तो आपने देखा होगा दोस्तों आपको फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इनकी ड्यूरेशन क्या रखनी है। तो आपका जो फर्स्ट फ़ोटो है उसकी ड्यूरेशन आपको रखनी है 1.50 सेकेंड, सेकेंड की 1.17 सेकेंड या 1.8 भी कर सकते हैं, थर्ड की 1.6 सेकेंड, फोर्थ की 2.29 सेकेंड या 3.0 भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, एंड लास्ट है 1.88 सेकेंड। ओके, तो ये आपकी फ़ोटो ड्यूरेशन होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा से सुन लें कि मैंने ड्यूरेशन क्या बताई है।
ओके। अब गाइस आपको क्या करना है, इन फोटोज़ में एफएक्स अप्लाई करने हैं, तो किस तरह से करने हैं आप ये ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको एफएक्स का ऑप्शन मिलता है, आपको फर्स्ट फोटो के ऊपर आना है, एफएक्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन मिलता है आपको वाइट एफएक्स, आपको वाइट एफएक्स अप्लाई करना है, इसका पीरियड रखना है 0.4 सेकेंड, ओके। एंड यहाँ से इसको स्टार्टिंग से एंड तक लगाना है, यहाँ से डन कर लेना है। अब गाइस आपको सेकंड फोटो के ऊपर आना है, अगेन एफएक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फ्लैश इफेक्ट, फ्लैश पे क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन यहाँ से आपको 0.25 सेकंड रखनी है, इस तरह से, एंड यहाँ से डन कर लेना है। अब गाइस आप अगेन थर्ड फोटो पे आएंगे, एफएक्स पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से अगेन आपको वाइट एफएक्स पे क्लिक करना है, एंड इसका पीरियड सेम 0.4 सेकंड रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले फ़ोटो में बताया था, यहाँ से डन कर लेना है। अब आप फोर्थ फोटो में आएंगे, एफएक्स पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से आपको फ्लैश वाला जो एफएक्स है अप्लाई करना है, ओके। एंड इसको आपको 0.60 सेकंड की ड्यूरेशन तक रखना है। अगेन आपको सेम प्रोसेस लास्ट फोटो में करनी है, एफएक्स पे क्लिक करना है, फ्लैश वाला एफएक्स अप्लाई करना है, एंड 0.60 सेकंड इसकी ड्यूरेशन रखनी है, ओके, इस तरह से। नाउ आप यहां से डन कर लेंगे एंड वीडियो आपका रेडी हो चुका है। एक बार दोस्तों मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ हमारा वीडियो कैसा बना है। ओके, तो वैसा ही हमारा वीडियो बनकर रेडी हुआ है जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा था या रील्स में देखा था। अब आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से डन कर लेना है। नाउ गाइस आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव टू एल्बम के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड वीडियो आपका सेव हो गया। सो दोस्तों कैसा लगा है आपको ये वीडियो, अगर आपके समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप जल्दी से लाइक कर लीजिए विदाउट। एंड अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर करें। एंड अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू आपको इसी तरह की वायरल रील से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब कलर का बटन मिलेगा, आपको उसको प्रेस करना है। राइट हैंड कॉर्नर पर आपको बेल मिलेगा, आपको उसको भी टच करना है एंड ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियो आएंगी आपको मिल जाएंगी जब भी मैं अपलोड करूँगी। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।